નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7ની ગણિત વિષયની જ્ઞાનસેતુ બુકલેટના તમામ દાખલાઓ તમે ગણ્યા છે। આ ઉપરાંત ગયા એપિસોડમાં આપણે પ્રકરણ 1 થી પ્રકરણ 7 સુધીનું ફરી વખત પુનરાવર્તન કર્યું હતું। આજના આ એપિસોડમાં પ્રકરણ 8 થી પ્રકરણ 14 સુધી ફરી એક વખત પુનરાવર્તન કરી લઈએ। સૌથી પહેલાં વાત કરીએ પ્રકરણ 8ની। आ प्रकरण में दशांश संख्याओं ने संख्या रेखा पर केवी रीते निरूपण करी शकाय, आ उपरांत दशांश संख्याओं ने अपूर्णांक में केवी रीते फेरवी शकाय, दशांश संख्याओं की सरखामणी केवी रीते करी शकाय जेवा विविध मुद्दाओं अभ्यास आपणे कर्यो हतो। तेमाना केटलाक दाखला आपणे जोईए। पेज नंबर 78 पर एक रकम आपेली छे कि नीचे आपेला अपूर्णांक ने दशांश में फेरवो। अहीं आपणे बीजा दाखलानी गणतरी करीए। 2/5 ने दशांश में केवी रीते फेरवी शकाय ते आपणे जोईए। अहींया जोईशुं तो के छेद में 5 आपेला छे। आपणे अपूर्णांक ने दशांश में फेरवा माटे छेद में 10, 100, 1000 लाववा पड़े। आथी आपेल अपूर्णांक ने अंश अने छेदने हूँ 2 वडे गुणूं। आथी आपणे नीचे छेद में 5 × 2 10 मळशे। छेद में जे संख्या वडे गुणीए तेज संख्या ने अंश में पण गुणवा। हवे आपणे अंश में मळशे 2 × 2 4 अने छेद में मळशे 5 × 2 10। जेने दशांश स्वरूप में केवी रीते लखी शकाय ते आपणे जाणीए छीए 0.4, कारण के छेद में 10 है। अहींयाथी एक दशांश चिन्ह डाबी बाजू लई जईशुं। अहींया 3 संकेतों ना करता नानुं छे, ना करता मोटुं छे अने बराबर जेवा 3 संकेतों वडे खाली जग्या पूर्ण करवानी छे। सौथी पहला आपणे नजर करीए 0.6 અને 0.8। दशांश चिन्ह पछी अहींया 6 छे, ज्यारे दशांश चिन्ह पछी अहींया 8 छे। तो दशांश चिन्ह पछी अहींया मोटी संख्या आवे छे, आथी 0.8 मोटा छे। बीजा दाखलामां नजर करीशुं तो 3.7 અને 3.07। अहींया पूर्णांक भागमां बंने बाजू 3 3 छे अने दशांश चिन्ह पछी अहींया 7 छे, ज्यारे अहींया 0 छे। आथी 3.7 ए 3.07 करता मोटा छे। पेज नंबर 86 पर एक दाखलो आपेल छे कि हेमंते तेना घरेथी शाळा सुधी पहोंचवा माटे 18 किलोमीटर 256 मीटर बस द्वारा, 6 किलोमीटर 230 मीटर साइकल द्वारा अने 2 किलोमीटर 320 मीटर चालता जाए छे। तो तेनी शाळा तेना घरेथी केटली दूर हशे। अहींया हेमंतना घरेथी तेनी शाळा केटली दूर छे ते शोधवा माटे आपेल त्रणेय अंतरनो सरवाळो करवो पड़शे। 18 किलोमीटर 256 मीटर बस द्वारा कापे छे, आथी एने 18.256 लखी सकीए। तेज रीते 6 किलोमीटर 230 मीटर साइकल द्वारा कापे छे, आथी अने आपणे 6.230 लखी सकीए। 2 किलोमीटर 320 मीटर चालता जाए छे, आथी अने दशांश स्वरूपे 2.320 लखी सकीए। अहींया विद्यार्थी मित्रों खास ए याद राखवानुं छे कि एकमना नीचे एकमनो अंक अने दशकना नीचे दशकनो अंक। ए ज रीते दशांश चिन्ह पछी दशांश, शतांश अने सहस्त्रांशनी नीचे ए ज प्रमाणे गोठवणी करवानी छे। आ त्रणेयनो सरवाळो आपणे करीशुं 6, 5 ને 3 8 ને 2 10 ની 0 विधि पड़ी 1, 1 ને 2 3 ને 2 5 ને 3 8, 8 ने 6 14 ने 2 16 एनो 6 लखीशू। एक મૂકીશું एक ને एक बे। तो आ जवाब ने केवी रीते वाँचीशू बाळ दोस्तों? हाँ 26 किलोमीटर अने 806 मीटर। तो हेमंतना घरेथी तेनु शाळानुं अंतर 26 किलोमीटर अने 806 मीटर छे। हवे आपणे प्रकरण 9 नी वात करीए। प्रकरण 9 मां आपणे चित्रालेखनु अर्थघटन, लंबालेखनु अर्थघटन जेवा विविध मुद्दाओनो अभ्यास आपणे कर्यो हतो। एमाना केटलाक दाखला आपणे जोईए। पेज नंबर 97 पर अहीं एक रकम आपेली छे के अहीं आदर्श प्राथमिक शाळामां वर्ष 2016 थी 2019 सुधी धोरण 6 ना विद्यार्थीओनी संख्या दर्शावेल छे। अहीं आपणने एक लंब आलेख आपेल छे जेमां एक्स अक्ष पर वर्ष अने वाय अक्ष पर विद्यार्थीओनी संख्या बतावेल छे। एक्स अक्ष पर 2016, 2017, 2018 अने 2019 एम अलग अलग वर्ष में विद्यार्थीओनी संख्या केटली हती ते दर्शावेल छे। आ लंब आलेख परथी आपणने 3 प्रश्नों पूछेला छे। सौथी पहलो प्रश्न जोईए। चारे वर्षनी धोरण 6 नी संख्या जणावो। तो अहींया जोईए के 2016 मां केनो लंब ए केटलो ऊपर गेलो छे ते जोईशुं तो आपणने ख्याल आवशे के 20 थी 30 नी बरोबर मध्यम एटले के 25। एनो मतलब के 2016 मां धोरण 6 मां 25 विद्यार्थीओ हता। 2017 नी वात करिए तो अहींया स्पष्ट जोई शकाय छे के 2017 में 30 विद्यार्थीओ हता, 2018 में 40 विद्यार्थीओ अने 2019 में 50 विद्यार्थीओ हता। बीजो प्रश्न जोईए। प्रमाणमाप केटलुं छे? तो अहींया जमणी बाजू लंब आलेख में लख्युं छे के 1 एकम लंबाई बराबर 10 विद्यार्थीओ एटले के प्रमाणमाप बराबर 1 एकम लंबाई बराबर 10 विद्यार्थीओ। तीजो प्रश्न है कि 2016 संख्या करता 2019 संख्या केटला गणी है? आपणे अहीं जोयुं हतुं के 2016 में 25 संख्या हती अने 2019 में 50 संख्या हती एटले के 2016 संख्या करता 2019 में बमणी संख्या हती। प्रकरण 10 में आपणे लंबचोरस, चौरस अने नियमित आकारोनी परिमिति आ उपरांत चौरस अने लंबचौरसनुं क्षेत्रफळ विषे अभ्यास कर्यो हतो। तेमाना केटलाक दाखला आपणे फरीथी जोई लईए। पेज नंबर 106 पर 7मा नंबरना दाखलामां लख्युं छे के एक रमतवीर 60 मीटर लंबाई अने 35 मीटर पहोळाईवाळा एक लंबचौरस मैदाननी फरते पूरा 10 आटा मारे छे। तो ते केटलुं अंतर दौड्यो हशे ते शोधो। धारो के आ एक लंबचौरस मैदान छे जेनी लंबाई 60 मीटर अने पहोळाई 35 मीटर छे। तेनी फरते रमतवीर 10 आटा मारे छे। तो सौथी पहला आपणे ए शोधीए के एक आटामां केटलुं अंतर काप्युं हशे। तेना माटे आपणे शुं शोधवुं पडशे बाळ दोस्तों? हाँ आ लंबचौरसनी परिमिति। तो एनुं आपणे सूत्र शीखी गया छीए। लंबचौरस मैदाननी परिमिति बराबर 2 लंबाई वत्ता पहोळाई। एटले के 2 लंबाई आपणे आपी छे 60 मीटर, पहोळाई आपणने आपी छे 35 मीटर। तो 2 गुण्या कौंसमां जे आपेल 2 संख्याओ छे 60 अने 35 एनो सरवाळो करता आपणने मळशे 95। हवे 2 अने 95नो गुणाकार करता आपणने 190 मीटर मळशे। एटले के लंबचौरस मैदाननी परिमिति 190 मीटर छे। आ परिमिति जेटलू एक आटा में अंतर कपाशे। આપણે 10 આંટામાં કેટલું અંતર કપાય તે શોધવાનું છે। આથી હવે તેની ગણતરી કરીએ। एक આંટા દરમિયાન કપાયેલ કુલ અંતર बराबर 190 मीटर। તેથી 10 આંટા દરમિયાન कपायेल कुल अंतर बराबर केटलू एटले के 10 × 190 करवा पड़शे। आथी आपने 1900 मीटर मळशे। आम रमतवीर 10 आंटा दरमियान 1900 मीटर अंतर कापशे। पेज नंबर 112 पर चौथा दाखला में रकम आपेल है कि संतोकबेन 4 मीटर पहोळाई और 5 मीटर लंबाईवाळा ओरडाना भोंयतळिया पर चौरस टाइल्स लगावा मांगे छे। जो दरेक चौरस टाइल्सनी बाजूनुं माप 0.5 मीटर होय तो भोंयतळिया माटे केटली टाइल्स जोईशे। ते माटे आपणे ओरडाना भोंयतळियानुं क्षेत्रफळ अने चौरस टाइल्सनुं क्षेत्रफळ शोधवुं पड़शे। भोंयतळिया माटे जोईती टाइल्सनी संख्या बराबर ओरडानुं कुल क्षेत्रफळ भाग्या एक टाइल्सनुं क्षेत्रफळ। हवे ओरडानुं भोंयतळियुं ए लंबचौरस आकारनुं छे। आथी एनुं क्षेत्रफळ लंबाई गुण्या पहोळाई मळशे एटले के 5 × 4 मळशे। टाइल्स ए चौरस आकारनी छे। आथी एनुं क्षेत्रफळ लंबाई गुण्या लंबाई एटले के 0.5 × 0.5 मळशे। हवे अहींया आपणे 5 × 4 करीशुं तो आपणने 20 मळशे। 0.5 ने आपणे 5 दशांश लखी सकीए। एज रीते अहींया 5 दशांश। अहींया जोईशुं तो के 20/5 एटले के छेदनोय छेद छे एटले छेदनो छेद अंशमां जशे। आथी 20 नीचे 5 × 5 ने लखी अने आ छेदनो जे छेद छे अने आपणे अंशमां लई जशुं तो ऊपर 10 × 10 मळशे। सादुरूप आपीशू तो आपने 5 × 4 20 और 5 × 2 10 एटले के 4 × 2 8 × 10 एटले के 80 टाइल्स जोईशे। प्रकरण 11 में आपणे चल तथा तेनी समझ अने समीकरणनो उकेल विषे आपणे भण्या हता। तेमाना केटलाक दाखला पर आपणे नजर करीए। पेज नंबर 118 पर रकम आपेल है कि एक लंबचौरस वर्गखंडनी लंबाई तेनी पहोळाईना 2 गणा करता 3 मीटर ओछी है। जो पहोळाई b मीटर होय तो लंबाईनी अभिव्यक्ति दर्शावो। अहींया आपणे पहोळाई b मीटर आपेल छे। अहींया लख्युं छे कि लंबाई ए पहोळाईना 2 गणा करता 3 मीटर ओछी एटले पहोळाई b छे एना 2 गणा एटले के 2b अने एना करता 3 मीटर ओछी एटले के -3 आटला मीटर आपणे लंबाई मळे। तो आ आपणे लंबाईनी अभिव्यक्ति मळी। पेज नंबर 120 पर दाखला नंबर 2 में लख्युं छे के कौंस में आपेली किंमतोमांथी कई किंमत आपेला समीकरणनो उकेल छे ते शोधी बताओ। तेने आपणे अलग अलग रीते शोधी शकीए। जेम के x + 18 बराबर 20 आप्या छे। x नी जग्याए कौंस में आपेल जुदी जुदी किंमतों मूकी जो समीकरणनी डाबी बाजू अने जमणी बाजू सरखी थती होय तो तेने आपणे उकेल कही शकीए। आ उपरांत आपणे जोईए कि x + 18 बराबर 20। हवे x नी किंमत आपणे शोधवी छे तो x ने हूँ बराबरनी डाबी बाजू राखीश, 18 ने बराबरनी जमणी बाजू हूँ लई जईश तो -18 थशे। अहींया x बराबर वीस में थी 18 जता आपने 2 मळशे एटले के एक्स बराबर 2 मळ्या जे समीकरण उकेल छे। एज रीते बीजू समीकरण जोईए वाय ओछा 15 बराबर 30। वाय की किंमत आपणे शोधवी छे एटले बराबरनी डाबी बाजू राखीशुं, ओछा 15 ने बराबरनी जमणी बाजू लई जता वत्ता 15 थशे। तेथी वाय बराबर 30 वत्ता 15 एटले के 45 मळशे जे आपणो उकेल छे। हवे आपणे प्रकरण 12 नी वात करीए तो प्रकरण 12 मां आपणे गुणोत्तर, सरखा गुणोत्तर, आ उपरांत प्रमाण एटले के संख्याओ प्रमाणमां छे के नहीं जेवी बाबतोनो अभ्यास आपणे कर्यो। तेमाना केटलाक दाखला आपणे जोईए। पेज नंबर 128 पर पहला दाखला में रकम लखी है कि नीचे आपेली संख्याओ प्रमाण में है कि नहीं ते चकासो। अहीं आपणे जोईशुं के दाखला नंबर 2 में आपेली रकम एम 4 संख्याओ जे आपेल है प्रमाण में है कि नहीं। अहीं पहली 2 संख्यानो गुणोत्तर अने बीजी 2 संख्याओनो गुणोत्तर सरखा थाय तो ते संख्याओ प्रमाण में कहेवाय। तो आपणे अहीं एमनो गुणोत्तर मेळवीए। पहली 2 संख्याओनो गुणोत्तर एटले के 30 अने 40 नो गुणोत्तर आपने 30/40 जेनु अति संक्षिप्त रूप मेळवीशुं तो आपने 3/4 मळशे। हवे आपणे बाकीनी 2 संख्याओ एटले के 45 अने 60 नो गुणोत्तर मेळवीए। 45/60 जेनु अति संक्षिप्त रूप आपता एटले के 15 वडे बंने संख्याओं भागी शकाय एम छे तो एनु अति संक्षिप्त रूप आपणे 3/4 मळशे। अहींया स्पष्ट देखाय छे के बंने संख्याओनो गुणोत्तर समान छे, आथी आ संख्याओ प्रमाणमां छे। आ ज रीते तमे अन्य दाखलाओ गणी शको छो। आ उपरांत आपणे बीजी रीतथी शोधवुं होय तो प्रथम संख्या अने छेल्ली संख्यानो गुणाकार अने वच्चेनी 2 संख्याओनो गुणाकार जो समान थाय तो ते संख्याओ प्रमाणमां छे तेम कहेवाय। कोईपण रीतनी मददथी आपणे दाखलो गणी शकीए। आ ज प्रकरणना पेज नंबर 129 पर एक रकम आपेल छे के एक कोड़ी पतंगनी किंमत ₹50 छे तो 55 नंग पतंगनी केटली किंमत थाय। अहीं आपेलू छे के एक कोड़ी बराबर 20 नंग, एनो मतलब के 20 पतंगनी किंमत बराबर ₹50। तेथी 55 पतंगनी किंमत बराबर केटली? 55 × 50 अने एना छेदमां 20। आनुं सादुरूप आपणे आपीशुं तो आपणने 55 × 5 एना छेदमां 2 मळशे। 55 × 5 करता आपणने 275 मळशे अने एने 2 वडे भागता 137.5 जवाब मळशे। एटले के 55 पतंगनी किंमत ₹137.50 मळशे। प्रकरण 13 में आपणे सम्मिति, सम्मितिनी रेखाओ, परावर्तन अने सम्मिति जेवा विविध मुद्दाओनो अभ्यास कर्यो हतो। एमाना केटलाक दाखलाओ आपणे जोईए। पेज नंबर 134 पर दाखला नंबर 2 में रकम आपेल छे के अंग्रेजी मूळाक्षरो, अहींया प्रिंटिंग मिस्टेक छे, मूळाक्षरो वाँचवुं। अंग्रेजी मूळाक्षरो ए थी झेड लो, तेमाना एवा अक्षरोनी यादी बनावो जेमां सम्मितिनी रेखा ऊभी होय जेम के ए, सम्मितिनी रेखा आडी होय जेम के बी में छे, अने सम्मितिनी रेखा न होय जेम के क्यू में नथी। आवा जुदा जुदा अक्षरोनी यादी बनावी छे। तो आपणे केटलाक मूळाक्षरो सुधी जई अने तमने ख्याल आपीए के सम्मितिनी रेखा ऊभी होय तेवा मूळाक्षरो केटला छे। एनी वात करीए एमां सम्मितिनी रेखा ऊभी छे। अहींया आ जे रेखा छे नी बंने बाजू सममिति तमने देखाय छे एटले सममितिनी रेखा ऊभी होय एमां आपणे एनो समावेश थशे। बी नी वात करीए, बी में क्यांय ऊभी सममितिनी रेखा मळशे नहीं, आडी सममितिनी रेखा मळशे। आ रेखानी बंने बाजुए सममिति देखाय छे। मूळाक्षर सी नी वात करीए तो तेमां आडी रेखा मळशे। मूळाक्षर डी नी वात करीए तो तेमां पण सममितिनी आडी रेखा मळशे। मूळाक्षर ई नी वात करीए तो ईमां सममितिनी आडी रेखा मळशे। मूळाक्षर एफ नी वात करीए तो एमां ऊभी रेखा के आडी रेखा मळशे नहीं, एनो समावेश आमां थशे एटले के सममितिनी रेखा न होय एमां एफ नो समावेश थशे। जी नो पण समावेश एम ज थशे। एच नो समावेश बंनेमां थशे। सममितिनी ऊभी रेखा पण छे अने सममितिनी आडी रेखा पण छे। ए ज रीते आई नो समावेश पण बंनेमां थशे। सममितिनी ऊभी रेखा पण छे अने सममितिनी आडी रेखा पण छे। आ रीते तमारे तमाम मूळाक्षरोमां जोवानुं छे अने तमाम मूळाक्षरोने अहींया वर्गीकरण करवानुं छे। प्रकरण 14 में आपणे आपेली त्रिज्यावाळा वर्तुळनी रचना केवी रीते थाय ते जोयुं हतुं। आ उपरांत रेखाखंडनी लंबाईनुं माप आप्युं होय अने ए मापनो रेखाखंड केवी रीते दोरी शकाय ते शीख्या हता। आ उपरांत रेखाखंडनो लंब द्विभाजक केवी रीते रची शकाय जेवा विविध मुद्दाओनो अभ्यास आपणे कर्यो हतो। तेमांनी केटलीक रचना आपणे जोईए। पेज नंबर 141 पर दाखला नंबर 2 में रकम आपेल छे के 4.8 सेंटीमीटर लंबाईनो रेखाखंड दोरी तेनो लंब द्विभाजक रचो। लंब द्विभाजक एनो मतलब के रेखाखंड ने लंब पण होय अने द्विभाजक एटले के बे सरखा भाग करतो पण होय। एटले एवी रेखा दोरवानी के जे रेखाखंडना बे सरखा भाग पण करे अने काटखूणे छेदे। आपणे सौथी पहेला 4.8 सेंटीमीटर लंबाई परिकरनी मददथी लईशुं। अहींया तमने देखाय छे के 4.8 सेंटीमीटर जेटलू मैं परिकर पौड़ू करूँ छे। एक किरण लई एम आपणे छेड़े थी आ 4.8 सेंटीमीटर ने एक चाप मारीशुं। अहींया हूँ ए नाम आपीश, अहींया बी। तो आ जे रेखाखंड ए बी आपणने मळ्यो ए 4.8 सेंटीमीटर लंबाईनो छे। हवे आ रेखाखंड ए बी नो लंब द्विभाजक आपणे दौरवो है तो एना माटे आपणे ए अने बी ने वाराफरती केन्द्र लई अने ए बी ना अर्धा करता वधारे त्रिज्या लई उपर नीचे चाप मारीशुं। आ बे चाप ज्यां छेदे ते उपर नीचे जे बे बिंदुओ मळे तेने आपणे जोड़ीने एक रेखा दोरीशू। तो आ मळती रेखा ए रेखाखंड ए बी ना मध्यमांथी पसार थाय छे अने अहींया काटखूणो बने छे एटले के आ लंब द्विभाजक छे। तो बाळ दोस्तो तमने रेखाखंडनो लंब द्विभाजक केवी रीते दोरी शकाय आवडी गयुं ने। हाँ, हवे आपणे बीजो दाखलो जोईए। पेज नंबर 141 पर लख्युं छे के मापपट्टी अने परिकरना उपयोगथी नीचेना मापना खूणाओनी रचना करो। एटले के कोण मापकनो उपयोग करवानो नथी अने खूणानी रचना करवानी छे। सौथी पहेला आपणे 60नो खूणो रचीए। एक किरण दोरीशुं। आ किरण पर अनुकूल त्रिज्या लई मोटू चाप दोरीशू। तेटली ज त्रिज्या लई आ ज्यां छेद बिंदु मळे त्यांथी पहला चापने ज्यां छेदे त्यां बीजो एक चाप मारीशू। आ बिंदुने सी, आ बिंदुने डी कहीश। अहीं हूँ किरण एडी दोरीश तो अहीं आपने जे खूणो मळशे ए 60 अंशनो खूणो हशे। आपणे एनी कोणमापकथी चकासणी करीए। तमने स्पष्ट देखाय छे के खूणो DAC ए 60 अंशनो छे। हवे आपणे अहींया जेटली त्रिज्या लीधी हती एटली ज त्रिज्या लई आगळ वधीशुं। त्यां ए नाम आपीशुं अने किरण ए दोरीशुं। किरण ए दौरता खूणो EAC आपणने 120 अंशनो खूणो मळशे, जेनी आपणे कोणमापकनी मददथी चकासणी करीए। तो अहींया देखाय छे के आ खूणो 120 अंशनो छे। आ ज रीते आपणे परिकर अने मापपट्टीनी मददथी अहींया आपेल तमाम खूणा दोरी शकीए। जो मारे 30 अंशनो खूणो दोरवो होय तो आ खूणानो कोण विभाजक अहीं रचीशू तो आपने 30 अंशनो खूणो मळशे। ए ज रीते आपणे 60 अने 120 नी वच्चे एक किरण मेळवीशुं तो ए आपने 90 अंशनो खूणो दर्शावशे। आ रीते आपणे अलग अलग खूणा रची शकीए। आजना आ एपिसोडमां आपणे प्रकरण 8 थी प्रकरण 14 नुं फरी एक वखत पुनरावर्तन कर्युं। आ प्रकरणमांना कोई दाखलाओमां तमने क्यांय तकलीफ जणाय तो तमे तमारी शाळाना शिक्षकनी मददथी ते शीखी शको छो। आ उपरांत तमारा कुटुंबमां कोई वडील भाई बहननी मदद पण लई शको छो। आशा राखुं छुं के तमने तमाम दाखलाओमां सारी एवी समजण पड़ी गई हशे। हवे रजा लईए। आवजो।